अभी ये बताइए प्रत्याशी बदलने से परिणाम का भाव कैसा पड़ेगा? आपने परिणाम क्या बाकी लोगों ने प्रत्याशी बदलने से परिणाम सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ स्मृति ईरानी को अभी आप सुन रहे थे वोट की अपील करती भी वो नजर आई। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूं कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। धन्यवाद। चलते जाइए भाई साहब, चलते जाइए। धन्यवाद। चलिए तो वोट कास्ट करने के बाद आपने अभी भी स्मृति ईरानी को सुना और उनकी तरफ से कहा गया कि और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मैडम ये बताइए प्रत्याशी बदल गया है अमेठी का? तो लाइव में लगकर मतदान किया पहले स्मृति ईरानी ने और उसके बाद अब वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से जो बातचीत उनकी थी वो हमने आपको सुनवाई। बूथ संख्या 347 पर इन्होंने वोट डाला है, खुद चुनावी मैदान में है और पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई। तो मेदन मबई गांव की बूथ पर वोट डाला है स्मृति ईरानी ने और हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी से रिएक्शन हम ले रहे थे लेकिन उससे पहले सौरभ दुबे जी से एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, चार चरण बीत गए हैं, पांचवा चरण है आज, किस तरफ ये चुनाव जाता हुआ दिख रहा है? क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे और आपका विश्लेषण क्या कहता है कि क्या लोगों की सोच बदली है पहले चरण से लेकर अब तक? देखिए, सबसे पहले तो आज पांचवें चरण का मतदान है और हम सभी को जो है जहां जहां पर वोटिंग है तो अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो है पांच वर्षों में आपको एक बार आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस प्रकार से हमने देखा पहला चरण दूसरा चरण थोड़ी सी कम वोटिंग हुई थी उस समय परसेंटेज में जो है, लेकिन वो तीसरे चरण में जैसे ही प्रधानमंत्री जाते हैं और 8 बजे के पहले ही अपना मतदान करते हैं और लोगों से अपील करते हैं, उसके बाद से लगातार जब से हम देख रहे हैं तो वो वोट परसेंटेज में इजाफा ही हो रहा है और पिछला चौथा चरण तो बहुत ही अच्छा खासा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पांचवें चरण में भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं काफी जागरूक है और उनको लग रहा है कि हाँ, हमारा अपना कर्तव्य है, हमको इसको पूरा करना ही चाहिए। अब अच्छा, वोट परसेंटेज कम होने के क्या मायने निकाले जाते हैं सौरभ जी? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि वोटर तब ज्यादा घरों से निकलता है जब एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति होती है, तब वो ज्यादा से ज्यादा वोट करता है सरकार बदलने के लिए। अभी कई बार वोट परसेंटेज कम भी रहा और जैसा आपने जिक्र किया कि चरण दर चरण बढ़ भी रहा है, क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, पहले अमूमन होता था कि अगर वोट परसेंटेज कम रहा है तो जो सरकार है वो वही सरकार स्थिर सरकार मानी जाती थी, मतलब उसमें बदलाव नहीं होता था। लेकिन 2014 में हमने देखा कि एक लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया और वोट परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ा। 2022 का आप उत्तर प्रदेश का चुनाव ले लीजिए या 2019 का विपक्ष में गया, उसका कारण यह है कि जो महिला वोटर है, महिला वोटर सबसे ज्यादा परसेंटेज में बढ़ करके आई। जो दलित वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, उनकी मात्रा भी मात्रा कही है और वह वोट वहां की जनता चुनाव में जाते हुए दिख रहा था। लेकिन अभी मुझे मानना है कि अभी अगर यहां पर पिछले जैसे पांचवें चरण में जो है वोट परसेंटेज हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 की पार की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उनको उसका फल कह सकते हैं।